शादी के बंधन में बंधने के बाद बॉलीवुड की देसी गर्ल या फिर यूं कहें इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अब पति पत्नी बन चुके हैं, तो वहीं फैंस सब प्रियंका चोपड़ा को मां बनते हुए भी देखना चाहते हैं। और आज हम आप सभी को प्रियंका और निक के बच्चे के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और उनके विदेशी मुंडे यानी कि उनके विदेशी पति निक जोनस के बारे में। निक जोनस हॉलीवुड सिंगर और एक्टर है, ये तो आप सभी जानते हैं, और इन दोनों की शादी काफी शानदार हुई, एक फेरी टेल की तरह हुई। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इन दोनों के बच्चे का खुलासा किया है और सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया कि हर कोई दंग रह गया। और आज हम आप सभी को निक और प्रियंका यानी कि प्रिक के बारे में एक दिलचस्प खबर से रूबरू करवाने वाले हैं। इन दोनों से जुड़ी हुई काफी सारी मजेदार बातें आप सभी को जानने को मिलेंगी, तो फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। जहां एक तरफ फैंस बॉलीवुड की देसी गर्ल या फिर यूं कहें इंटरनेशनल क्वीन प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वहीं अब इन दोनों की शादी भी हो गई, रिसेप्शन भी हो गई, लेकिन अब फैंस इन दोनों के बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, सिर्फ फैंस नहीं बल्कि बॉलीवुड में एक हसीना ऐसी भी है जो इन दोनों के बच्चे का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है, और सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रियंका और निक के बच्चे को लेकर एक खुलासा भी कर दिया। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। भारत में शादी और रिसेप्शन के बाद प्रियंका और निक न्यूयॉर्क लौट गए हैं और वहां अपने परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर फैंस को हर सेलिब्रेशन से अपडेट करवा रहे हैं और फैंस भी इन तस्वीरों को खूब पसंद करते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि लोग प्रियंका और निक के होने वाले बच्चों की भी चर्चा करने लगे। सिर्फ फैंस ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी प्रियंका और निक के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि नरगिस फाखरी है। जी हाँ, नरगिस फाखरी प्रियंका और निक के बेबी को लेकर एक्साइटेड दिख रही हैं। नरगिस अभी से निक और प्रियंका के बेबी का इंतजार कर रही हैं। नरगिस ने प्रियंका का एक ट्वीट शेयर किया और लिखा, दोनों के बच्चे काफी सुंदर होंगे। जी हाँ, नरगिस फाखरी ने अभी से ही इस बात का खुलासा कर दिया है कि दोनों के बच्चे काफी ज्यादा खूबसूरत पैदा होने वाले हैं। हाल ही में जब प्रियंका चोपड़ा से बच्चे के प्लान के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी वो अपने हनीमून फेज को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे के बारे में वो बाद में सोचेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते ही दिनों निक जोनस ने भी इस बात का खुलासा किया था कि वो जल्द ही फैमिली प्लानिंग करने वाले हैं, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार निक और प्रियंका चोपड़ा ये दोनों कब अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। और अब तो नरगिस फाखरी भी इन दोनों के बच्चे का काफी देर सभी से इंतजार कर रही हैं। अब नरगिस फाखरी भी चाहती हैं अब ये दोनों जल्द से जल्द माँ और बाप बन जाए। जी हाँ, नरगिस फाखरी बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक है जिन्होंने रॉक स्टार जैसी फिल्म में बेहतरीन अभिनय कर लोगों को अपना दीवाना बना दिया। तो वहीं अब नरगिस फाखरी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी के बाद इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो अब इन दोनों को माँ बाप बनते हुए देखना चाहती है। तो वहीं फैंस भी दर्शक भी बस यही सोच रहे हैं कि अब प्रियंका चोपड़ा जल्द ही माँ बन जाए और फैंस को अब ये बड़ी खुशखबरी दे दे। वही आपको बता दें कि कहा जा रहा है 20 दिसंबर को मुंबई में रिसेप्शन देने के बाद अब प्रियंका और निक लॉस एंजलिस में भी बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के लिए एक काफी ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं, क्योंकि बॉलीवुड के लिए इन दोनों ने मुंबई में 20 दिसंबर को काफी ग्रैंड रिसेप्शन दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि 1 और 2 दिसंबर को जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में शादी रचाने के बाद इन दोनों ने दिल्ली में एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हुए थे। तो वहीं मुंबई में एक और रिसेप्शन रखा जो 19 दिसंबर को रखा गया था, जहां पर सिर्फ फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल हुए थे। और 20 दिसंबर की शाम को बॉलीवुड के दिग्गज सितारों का जमावड़ा लगा और
इस रिसेप्शन में सबने काफी ज्यादा एंजॉय किया। रणवीर, दीपिका, रेखा और मिला जैसे कई बड़े सितारे इस रिसेप्शन में शामिल हुए थे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो वहीं निक जॉनस ने भी काफी ज्यादा एंजॉय किया और निक जॉनस के ऊपर अब ऐसा लग रहा है कि देसी रंग चढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जॉनस ने हाल ही में यानी कि 20 दिसंबर को एक शाही रिसेप्शन दिया था। इस रिसेप्शन में बॉलीवुड के कई तमाम सितारे मौजूद हुए और रिसेप्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी फैंस जो हैं इस रिसेप्शन की वीडियोस को देखकर अपने आप को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हाल ही में रिसेप्शन के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें निक जॉनस प्रियंका चोपड़ा की माँ और अपनी सासू माँ यानी कि मधु चोपड़ा के साथ चुनरी चुनरी गाने पर जमकर डांस करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि निक जॉनस और मधु चोपड़ा का ये डांस सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और निक जॉनस को देखकर ऐसा लग रहा है कि निक के ऊपर पूरा देसी रंग तो अब चढ़ ही चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई में रिसेप्शन देने के बाद खबर है कि प्रियंका और निक अब लॉस एंजलिस में हॉलीवुड के लिए एक काफी ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की नाराजगी से तो हर कोई वाकिफ है। जब सलमान खान एक बार किसी से नाराज हो जाते हैं तो सलमान खान को मनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ प्रियंका चोपड़ा भी कर रही हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब प्रियंका चोपड़ा ने एंड मौके पर सलमान खान की फिल्म भारत छोड़ दी थी और सलमान को धोखा दिया था, तो सलमान प्रियंका चोपड़ा से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। लेकिन जैसे तैसे सलमान खान प्रियंका और निक शादी के रिसेप्शन में मौजूद हुए, लेकिन खबरों की माने तो एक और खबर सामने आई कि सलमान खान रिसेप्शन के दौरान फिर से प्रियंका चोपड़ा से काफी ज्यादा नाराज हो गए। दरअसल सलमान रिसेप्शन में उन्होंने एंट्री की और सलमान के होश उड़ गए। वहां ना मेहमानों की खबर थी और ना होस्ट का पता था। अपने ही रिसेप्शन में प्रियंका निक की लेट लतीफी देखकर सलमान खान खफा हो गए थे। रिसेप्शन में सबसे पहले पहुंचे सलमान वहां अकेला महसूस करने लगे। ऐसे में सलमान खान रिसेप्शन में प्रियंका और निक जॉनस से मिले बिना ही रिसेप्शन से वो चले गए थे, और फिर सलमान खान की नाराजगी मिटाने देसी गर्ल पहुंच गई उनके घर पर। जी हां, प्रियंका चोपड़ा अपने पति के साथ सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची और सलमान खान को मनाने के लिए वहां पर मौजूद हुई थी। खबरों की माने तो सलमान खान प्रियंका चोपड़ा से काफी ज्यादा नाराज थे, और इसी वजह से प्रियंका चोपड़ा दबंग सलमान खान को उनके घर पर मनाने पहुंची। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने आप सभी को प्रियंका और निक के बच्चे के बारे में बताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस ने इन दोनों के बच्चे का खुलासा किया और सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर डाला कि हर जगह वायरल हो गया। आपको बता दें कि ये दोनों शादी के बंधन में जब से बंधे हैं तब से तो चर्चा में रहे ही हैं, लेकिन अब बच्चे को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि बीते ही दिनों शादी के कुछ दिन बाद ही निक जॉनस ने फैमिली प्लानिंग को लेकर ढेर सारी बातें मीडिया से करी थी। तो वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी इस बात का खुलासा किया था कि वो मां बनना चाहती हैं, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रियंका और निक ये दोनों कब मम्मी पापा बनते हैं, कब ये दोनों फैमिली प्लानिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का फिलहाल के लिए यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, बॉलीवुड से जुड़ी और भी कई तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।